क्या बात है कमला? कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है माँ। देख, मैं बाहर जा रही हूं, घर में कोई नहीं है। जब तक मैं वापस ना आऊं कहीं मत जाना। कमला, यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं। फिर खड़ी क्यों है चुपचाप? बस यूं ही। आज कॉलेज नहीं गई? दोपहर बाद जाऊंगी। भास्कर कैसा है? ठीक है। मिलता है ना? हाँ हाँ, मिलेगा क्यों नहीं। चारू कहाँ है? तैयार हो रही है। तो शादी कब कर रही है? करूंगी। भास्कर राजी हो गया? जल्दी कर, दावत खानी है। चलती हूँ। भाई की लड़की है ना, उसने खुदकुशी कर ली। कमला ने? जी हाँ, देखो तो सही। Yeah.
चले गए सब के सब। चारू आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं। कमला आज ही बोल रही थी भास्कर से जल्दी शादी कर लेगा। फिर वो मरी क्यों? उसकी माँ बिचारी कितनी रो रही थी। अरे तुम कब आए? एक घंटा हो गया। सुनो वो कमला है ना रमणीक भाई की बेटी। हाँ हाँ उसने खुदकुशी कर ली। हाँ देखो तो सही, मरना ही था तो चुपचाप मर जाती। जहर है, केरोसिन तेल है, गले की फांसी है, दिन दहाड़े बिल्डिंग के कंपाउंड में कूद कर मरने की क्या जरूरत थी? सुबह से कमला को लेकर ही माथा पच्ची हो रही है, कोई काम नहीं है। और लेकिन उसने खुदकुशी क्यों कर ली? भास्कर से उसका झगड़ा हुआ था क्या? झगड़ा तो उनका लगा ही रहता था। झगड़ा ही करना था तो शादी के बाद करती, पहले क्यों लड़ मरी? असली वजह तो तुम्हें मालूम है माँ। अरे हाँ एक बात तो आपको बताना भूल ही गई, कमला के पेट में बच्चा था। किसने कहा? लो गीता चारू को सब मालूम है, भास्कर नाम का एक लड़का है, बहुत दिनों से चल रहा था, पेट तो होगा ही। तुम भी बस। लेकिन वो लड़का शादी नहीं करेगा। लो बोलो ये आजकल के लड़के, खुदकुशी नहीं करेगी तो क्या करेगी? कब से आया बैठा हूँ, एक कप चाय भी नहीं मिली। बिल्डिंग में इतनी बड़ी घटना हुई है और तुम्हें चाय की पड़ी है? दो तो जाने गई है, एक कमला और दूसरा उसके पेट का बच्चा 3 महीने का। 3 नहीं माँ। चलो एक ही सही, था तो पाप पेट में। लगता है वो लड़की खराब थी। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे क्या, पूरी बिल्डिंग को मालूम है। देख लो अपने बाप को, ऊपर से सीधे साधे लगते हैं लेकिन बिल्डिंग में क्या हो रहा है इन्हें सब पता है। चाय बनाओ पिताजी। नहीं नहीं रहने दो। देख प्याज काट रखी है, पकौड़ी बना ले। अच्छा। अरे सुनो एक दिन कमला मुझे कह रही थी। देखो निर्मला अब हमारी लड़कियां बड़ी हो गई हैं, उनके सामने इस तरह की बात करना अच्छा नहीं है। कल को गीता को कुछ हो गया तो रोती रहना जिंदगी भर। हाय राम कैसी बातें करते हो, ये दिन तो दुश्मनों को भी ना देखना पड़े। वैसे देखो तो कमला भी क्या करती, ये हमारी उम्र ही ऐसी है, भले बुरे का ध्यान ही नहीं रहता। हाँ फिर भी मनमानी करने से तो नहीं चलता ना। क्या पता, जवानी में अक्ल पर ताले ही पड़ जाते हैं, गलत काम करने को ही मन करता है। हे भगवान। कुछ भी कहो, कमला जब बन सवर कर निकलती थी तो सब उसे देखते रह जाते थे। मैंने अपनी गीता से कितनी बार कहा तू भी कमला जैसे कपड़े पहना कर। लो खाओ। एक दिन गीता ने कमला के उस लड़के को मुझे दिखाया था, कितना खूबसूरत लड़का है, अगर हमारी गीता को भी ऐसा लड़का मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। अब गीता के लिए कोई लड़का देखो, कमला क्या गई हमें मुसीबत में डाल गई। लो। अरे पकौड़ी तो खाओ, कहाँ चले? कितनी बार पूछा, साफ साफ बताएगी थोड़ी ही। कमला की यही बात मुझे कभी अच्छी नहीं लगी, हमेशा अलग अलग, हमेशा चुप, सब कुछ छुपा कर रखेगी। आखिर अपनी जान ही ले ली। मुझे तो डर लग रहा बाबा, मैं जब डर जाती हूँ तो बोलती रहती हूँ,
मुझे चुप करा देना तू। मैं होती तो खुद न मरकर उस भास्कर का मुंह नोच लेती। आखिर उसी की वजह से तो सब कुछ हुआ है, उसी की वजह से कमला गर्भवती हुई है, वही भुगते। कमला क्या करती, मान लो कुछ कर भी लेती और सबों को पता चल जाता तो? न बाबा ना, इसे तो न बताना ही अच्छा है। क्यों, बताने में क्या हर्ज है? हर्ज कैसे नहीं, मैं तो शर्म के मारे मुंह तक न दिखाऊं किसी को। ऐसे कैसी लगती हो? अच्छा दीदी, गलती क्या सिर्फ लड़कियों की होती है जो हम मुंह न दिखाए? भास्कर क्यों नहीं अपना मुंह छिपाता? हम लड़कियों की बात और है चारू, सब हम पर ही उंगली उठाते हैं, इसलिए हमें ही सब कुछ छुपाना पड़ता है। तुम तो बिलावजह डर रही हो दीदी, इसीलिए ये कह रही हो। मैं तो किसी से कुछ ना छुपाऊं। क्यों, दीपक के बारे में कुछ बताती है मुझे या माँ को बताया? दीपक के बारे में तुम सब गलत समझ रहे हो। कमला भी यही कहती थी। बताने लायक कुछ हो तो बताओ ना। है कैसे नहीं, देख ज्यादा मेल मिलाप अच्छा नहीं। जो मेरे सामने बचपना कर रही थी मुझे तो पसंद नहीं आया। क्या भरोसा, इतना सब आसान नहीं है दीदी। क्या पता, मुझे तो हमेशा डर ही लगा रहता है। मैं नहीं डरती, उस प्रकाश के गाल पर दिया ना एक जोर से चाटा, आज तक मुंह छिपाए फिरता है। अरे मैं तेरे दीपक की बात कर रही हूँ, ज्यादा मेलजोल से ही तो प्यार हो जाता है। आज मिली उससे? हाँ। मेलजोल बढ़ाया और खतरा। दीपक की बात कर रही हो या तुम्हारे अजीत की? अजीत की बात और है। कुछ और नहीं, 2 साल अजीत के साथ होने को आए, माँ को अभी तक कुछ नहीं मालूम। माँ को पता चल गया तो मार डालेगी मुझे, अच्छा हुआ नहीं बताया। अच्छा दीदी, मान लो तुम्हारे पेट में अजीत का बच्चा आ जाए और अजीत तुम्हें छोड़कर चला जाए, तो क्या करोगी? कमला की तरह खुदकुशी? हट, अजीत वैसा नहीं है। देखते हैं। तुम्हें तो कह रही थी आज कि भास्कर वैसा नहीं है, बहुत जल्दी वो कमला से शादी करने वाला है। आज क्या हो गया, रेस्टोरेंट में भी कुछ नहीं खाया? क्या बात है, चुप क्यों हो? कल क्यों नहीं आए, कितना इंतजार किया मैंने। सॉरी गीता, मैं आना चाहता था वाकई, लेकिन नहीं आ पाया। मुझे मालूम है तुम रीता के साथ सिनेमा गए थे। सिनेमा? तुम भी सपने देखती रहती हो गीता। सुनीता ने तुम दोनों को साथ देखा है। बकवास करती है सुनीता, और तुम भी। किसी ने कुछ कह दिया बस घूम गया सर तुम्हारा, और मैं कुछ भी कहता रहा तुम्हें यकीन नहीं आएगा। सुनीता झूठ क्यों बोलने लगी? ये तो सुनीता जाने, उसे पूछना मेरे सामने। कहाँ जा रही है? घर। हाँ चलो आज मेरे कमरे में चलते हैं, मेरा रूममेट आज पूना गया हुआ। नहीं नहीं कोई देख लेगा, मैं चलती हूँ। सुनो तो, कोई नहीं देखेगा, चलो ना गीता, आज एक मौका है, कुछ नहीं बातें करेंगे। चलो ना गीता। नहीं मुझे देर हो जाएगी। नहीं होगी देर, हम टैक्सी चलते हैं, आते वक्त टैक्सी छोड़ दूंगा। गई तो थी पिछले महीने। तो क्या हुआ, आज और से प्लीज। चलो टैक्सी। टिकट छुट्टा दीजिए। एक्सक्यूज मी, आपके पास चेंज है? सॉरी। टिकट। आप परेशान मत होइए, ये लीजिए।
कोई बात नहीं, बाद में वापस कर दीजिएगा। थैंक यू। जीएस कॉलेज। ये लीजिए। लौटते वक्त शायद फिर जरूर पड़े, रख लीजिए। पूरा 1 रुपया वापस करना आसान है। थैंक यू। आप हमारे कॉलेज में नहीं आई हैं? जी। फर्स्ट ईयर में? जी। आर्ट्स? जी। इकोनॉमिक्स? आपको कैसे मालूम? आपके पास इकोनॉमिक्स की किताब जो है। मैं थर्ड ईयर में हूँ, इंग्लिश लिटरेचर। मेरा नाम अजीत है। आपका नाम गीता है? कल मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कल आप इसी बस में आ रहे हैं ना? मैं कल आज ही के टाइम पर बस में रहूंगा बिना टिकट। आप मेरा टिकट खरीद लीजिएगा। चारू, प्याज की पकौड़ी खाकर खट्टी रहकर आ रही है, तुझे नहीं आ रही? नहीं। बस बस, ये क्या कर रहे हो? अरे खाओ खाओ ना, तुम्हें तो अच्छी लगती है ये। अच्छी तो लगती है, पर दिन भर खट्टी डकार, बदहजमी, रात में नींद भी नहीं आती। ऊपर से बस सजी समरी हो, अंदर से सब खोखला। क्या करूं, मन लो भी जो है, कितनी भी बदहजमी हो, एक बार मिल जाए तो मन करता है खाती ही रहो। क्या बात है? कुछ नहीं। बोलो ना, बताओ ना गीता, क्या बात है? अच्छा अजीत, जो कुछ मना है करना नहीं चाहिए, वही सब करने को मन क्यों करता है? बात को टालो मत, बताओ क्यों हंस रही हो? तुम में और इस प्याज की पकौड़ी में कोई फर्क नहीं। क्या? हाँ, तुम में तो इस पकौड़ी की तरह हो, खाते ही बदहजमी, लेकिन अरे क्या देख रहे हो? आज तो तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। क्यों? चलो चलो उठ। क्या हुआ दीदी? वो लौंडी से कपड़े ले आई। सो जा दीदी। क्या बात है दीदी? कुछ नहीं, पेट में दर्द हो रहा है, क्यों खाती हो इतनी पकौड़ी? और नहीं खाऊंगी। चारू, क्या है? तुझे क्या लगता है, अजीत मुझे धोखा देगा? अब सो जाओ दीदी, कल उठकर बातें करेंगे। अगर सचमुच मेरे पेट में बच्चा आ जाए और ओफो दीदी, अब सो जाओ ना। मत जाओ अजीत, तुम चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरा जाना जरूरी है गीता। नहीं, इसके अलावा तुम्हें शायद मालूम होगा गीता, मैं रीता से प्यार करता हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें कहते हुए? इसमें शर्म की क्या बात है, जो सच्चे उसे सामने आना है। और इस बच्चे का क्या होगा? कौन सा बच्चा?
जो इस वक्त मेरे पेट में है। वो मेरा नहीं है। क्या क्या कहा तुमने, फिर से कहो। ये बच्चा मेरा नहीं है, और कितनी बार कहूं। तुम्हारा नहीं है ये, तुम कह रहे हो। तुम हिम्मत कैसे हुई कहने की। अरे गीता, यहाँ क्यों खड़ी हो चुपचाप? यूं ही, आज कॉलेज नहीं गई? आज तो छुट्टी है। अजीत कैसा है? ठीक है। मिलता है? हाँ हाँ, मिलेगा क्यों नहीं। शादी कब कर रही है? करूंगी। अजीत राजी हो गया? जल्दी कर, दावत खानी है मुझे। अच्छा चलती हूँ। हाँ निर्मला, 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 क्या हुआ? जाओ जरा जाके गीता चारू को देख लो, सब ठीक तो है? क्या हुआ गीता चारू को? जाके देखो तो सही, मैंने कुछ आवाज सुनी है। आवाज? हाँ। कैसी आवाज? जाओ जरा देखो। हे भगवान, गीता। हाँ माँ। क्या बात है गीता, उन्होंने कुछ आवाज सुनी? कुछ नहीं माँ, गिलास गिर गया। किसने गिराया? किसने नहीं, मेरे हाथ से गिर गया। जाओ तुम सो जाओ। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ। नहीं माँ, इसने ढेर सारी प्याज की पकौड़ी खा ली है, जरूर पेट में दर्द हो रहा होगा। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। तेरे पिताजी ने यकायक जगा दिया, मैं तो घबरा गई, अभी तक दिल धड़क रहा है। कुछ नहीं हुआ माँ, तुम जाओ सो जाओ। अच्छा अरे गीता के हाथ से गिलास गिर गया था। हाँ। वही आवाज थी, तुमने तो मुझे बिला वजह डरा दिया। अरे डर तो मैं भी गया था, कमला की और हमारी बेटियों की उम्र एक ही सी तो है। यही तो मुझे खाए जा रहा है, घर के बाहर कौन क्या करता है किसे मालूम। अब कमला को ही देखो, आजकल नींद की गोलियां आम बिकती हैं, खाओ और मर जाओ, मरना कितना आसान हो गया है। अच्छा अच्छा सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। हे भगवान। कमला की तरह एक दिन मैंने भी आत्महत्या की थी, फर्क सिर्फ इतना है कि कमला मर गई, मैं आज भी जिंदा हूं। तब मेरी उम्र क्या थी? मास्टर जी आ गए, उनके लिए कुछ चाय वाय तैयार कर लो,
जल्दी। अरे आए हैं तो बैठेंगे एक घंटा, ये बाई ले जाएगी, तू जा पढ़ने बैठ। नहीं नहीं मैं ले जाऊंगी। खाइए मास्टर जी। पहले पढ़ाई तो शुरू कर लेती, मैं क्या भागे जा रहा हूँ? नहीं पहले आप खाइए फिर पढ़ाई। और ये चाय मैंने बनाई है। चाय क्या, अब तो तुम्हें सारा काम करना चाहिए, अब तुम बड़ी हो गई हो। सच? बताइए ना मास्टर जी, क्या मैं सचमुच बड़ी हो गई हूँ? हाँ घर के काम के लिए, पढ़ाई में तो तुम अब भी छोटी हो। नहीं मैं पढ़ाई में भी बड़ी हूँ। अच्छा चलो ठीक है, यही सही। अब एक काम करो, कल मैंने तुम्हें गणित के सवाल दिए थे ना, उनका हल निकालो, तब तक मैं खा पी लेता हूँ। काम करो निर्मला। चाय कैसी बनी है मास्टर जी? अच्छी है। बहुत अच्छी है, पर पहले काम खत्म करो फिर हम भूगोल शुरू करेंगे। अच्छा। लिखाई हो गई? आज मन नहीं कर रहा, ये हिसाब मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं, आप भूगोल ही पढ़ाइए। अच्छा ठीक है भूगोल ही सही। भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण पूर्वी मानसून इस पर्वत श्रेणी से टकराती है तो उत्तर भारत के मैदानों में पर्याप्त वर्षा होती है, इस वर्षा के कारण समस्त उत्तर भारत में। मास्टर जी, नहीं प्रिया मास्टर जी, आप रोज आते हैं फिर भी मैं चिट्ठी लिख रही हूँ, पहली बार। आप बहुत जल्दी चले जाते हैं, मैं तो चाहती हूँ आप सिर्फ 3 दिन नहीं रोज यहाँ आए और मुझे खूब पढ़ाएं। सुबह से शाम तक आप मुझे पढ़ाते रहे और मैं आपको देखती रहूं हमेशा हमेशा। दूसरी बात, आप कुछ समझते क्यों नहीं, आंख मिलते ही शर्मा जाते हैं। अच्छा मास्टर जी सचमुच आप कुछ नहीं समझते, आपको कुछ नहीं मालूम? आप क्या नहीं जानते मैं आपको कितना प्यार करती हूँ? जिंदगी में अगर किसी को प्यार किया है तो बस आपको, सच, और जिंदगी भर करती रहूंगी, जन्म जन्मांतर तक। सुन लिया? आज इतना ही, अब रोज आपको एक चिट्ठी लिखा करूंगी, तुम्हारी कौन बताइए।
दीदी दीदी हमें आइसक्रीम खरीद दो। माँ देखो ना ये राजू मुझे तंग कर रहा है, मुझे पढ़ने भी नहीं देता। राजू बेटे इधर आ। आ राजू चल। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण पूर्व मानसून इस पर्वत श्रेणी से टकराती है जिससे उत्तर भारत के मैदानों में पर्याप्त वर्षा होती है। उम्र कर लिया? नहीं। क्यों? एक और चिट्ठी लिखी है आपको, लिखते लिखते सारा दिन निकल गया। ये चिट्ठी लिखना भी कितना मुश्किल काम है, वो तो एक किताब में। अच्छा मास्टर जी, आपने कभी किसी को चिट्ठी लिखी है, प्यार भरी चिट्ठी? अच्छा वो देखो, मेरे रहते रहते आज होमवर्क पूरा कर लेना, आज तुम्हें मैं नया काम नहीं दूंगा। हाँ अरे मेरे लिए इतने नाश्ते की क्या जरूरत है, सिर्फ चाय ही काफी है, और वो भी तुम्हारी नौकरानी ला सकती है। मैं लाती हूँ तो क्या आपको बुरा लगता है? ये बात नहीं है निर्मला, मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, तुम्हारा काम है पढ़ना, ये सब ऊपर के काम क्यों करती हो? मुझे अच्छा लगता है इसलिए। अरे अरे क्या कर रही हो, मेरी झूठी चाय पी ली? तो क्या हुआ मास्टर जी? क्या है? वो मेरी चिट्ठी पढ़ ली आपने? हाँ पढ़ ली। ऐसी चिट्ठी नहीं लिखते निर्मला, मैं तुम्हारा मास्टर हूं। मुझे मालूम है, एक और चिट्ठी लिखी है मैंने, ले जाइएगा जाते वक्त। ये चिट्ठी विट्ठी लिखना अच्छा नहीं है निर्मला, किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। वो चिट्ठी तो मैंने फाड़ दी, दूसरी तुम खुद ही फाड़ देना। पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ निर्मला, तुम्हारे इम्तिहान आने वाले हैं, तुम्हें पास होना है। मास्टर जी डर गए। यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आपसे मिलने आई थी, चलिए वहाँ बैठते हैं। मैं तुम्हारे घर जा रहा था पढ़ाने के लिए। हाँ मुझे मालूम है, आइए बैठिए आप यहाँ मेरे सामने। मैंने वो चिट्ठी फाड़ दी, अब चिट्ठी लिखना बंद। आज आपसे खूब बातें करूंगी और आप भी मुझसे बातें करेंगे खुलकर। यहाँ हमारी बातें कोई नहीं सुनेगा, पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं, और सब बातें। और सब बातें मुझसे क्या करनी है? है बहुत, आपको तो मालूम है चिट्ठियां फाड़ देने से क्या बात खत्म हो जाती है। देखो निर्मला, हमारा तुम्हारा संबंध गुरु और शिष्य का है, और ये संबंध पति और पत्नी का भी हो सकता है। ना मत कहिए। क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मास्टर जी, मैं बिना आपके नहीं जी सकती, आप समझते क्यों नहीं। मैं आपसे प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं कहते निर्मला, मैं शादीशुदा हूँ, दो बच्चे हैं मेरे, ये पाप है। मुझे पाप पुण्य मालूम है, शादी करना कोई पाप नहीं। मैं आपके घर में दासी बनकर रहूंगी, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगी, सिर्फ आप मुझे अपने साथ रहने दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। निर्मला क्या हो गया है तुम्हें? न हो तो चलिए, हम दोनों कहीं भाग जाते हैं कहीं दूर, मेरे पास बहुत सारे गहने हैं और कुछ रुपए भी हैं, मैं सब साथ ले लूंगी। क्या कर रही हो? क्या आपको मालूम नहीं मैं आपके लिए कितना? आप इतने कठोर क्यों हैं? आप क्यों नहीं मुझे प्यार करते? छोड़ो मुझे निर्मला, ये तो मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम्हारे ट्यूशन के रुपयों की सख्त जरूरत है।
नहीं तो मैं तुम्हारे पढ़ाना कभी का बंद कर देता। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे माँ बाप को पता चल गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आप इतना डरते क्यों है? सारे जिले को भी पता चल जाए तो मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। छोड़ो मुझे निर्मला, मैं तुम्हारी ट्यूशनी छोड़ रहा हूँ इसी वक्त से, और अब नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे मत छोड़िए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। घर जाओ निर्मला, और मुझसे इस तरह कभी नहीं मिलना, छोड़ो मुझे। निर्मला उठो, निर्मला हुआ, कहाँ गई थी निर्मला? नदी में गिर गई थी, थोड़ी बेहोश है, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। बाई, एक काम तो करो, थोड़ा पानी गर्म करके ले आओ। बहन जी, मुझे अफसोस है, लेकिन आपको बताना भी जरूरी है, आप जल्द से जल्द निर्मला की शादी करवा दीजिए। ये बेवकूफ लड़की मुझसे कह रही थी कि वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी और किसी से नहीं। मैंने समझाया और ना कहा तो नदी में कूद पड़ी। बड़ी मुश्किल से किसी तरह पानी से निकाल कर लाया हूं। आप बुरा मत मानिएगा, और किसी से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं। इतनी सी लड़की, इसके पेट में ये सब भरा है? देखिए, जो हो गया सो हो गया, अब आप एक अच्छा सा लड़का देखकर जल्दी इसकी शादी कर दीजिए। ये मनोहर जी कब आएंगे? कल, मैं आज ही पंडित जी को बुलवाती हूँ। तुम जरा जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाओ। नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, रास्ते में आते हुए काफी लोगों ने देखा है, और फिर बात को फैलाने से क्या फायदा, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मैं जाता हूं, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे बुलवा लीजिएगा, मैं कल से पढ़ाने नहीं आऊंगा। नमस्ते। ले, दूध पी ले, दिल छोटा न कर, सब ठीक हो जाएगा। और देख, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। अरे सुनती हो, पंडित जी आए हैं। ले। कहिए पंडित जी, कैसे आना हुआ? आना क्या, मैंने ही बुलाया है। एक अच्छा लड़का है, पास ही मधुपुर में नया आया है, एक महीना हुआ, नौकरी भी अच्छी है, बीए पास है, निर्मला बेटी के लिए राजयोग रहेगा। लेकिन पंडित जी, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो पढ़ रही है, बाद में देखेंगे। नहीं पंडित जी, अगर लड़का अच्छा है तो ये रिश्ता पक्का कर दो। अरे पर कुछ सुनो जी, ये शादी ब्याह का मामला है, ये आप मुझ पर छोड़ दो। पर मैट्रिक तो पास कर लेने दो। हो गई मैट्रिक। पंडित जी, आप ये रिश्ता पक्का कीजिए और उन लोगों से कह दीजिए कि हम इसी महीने में शादी देना चाहते हैं। क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा चलो, तुम्हारी यही मर्जी है और लड़का अच्छा है तो बात पक्की कर देते हैं, शादी फिर कभी हो जाएगी, पर अभी इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है, अगर लड़का हाथ से निकल गया तो? निकल गया तो दूसरा मिल जाएगा, हमारी निर्मला कौन सी लूली लंगड़ी है? पंडित जी, आप यही बात चलाइए, मैं तो कहती हूँ पंडित जी, आप आज ही चले जाइए उन लड़के वालों के यहाँ, आप इन्हें कुछ रुपए दे दो।
क्यों? क्या बात है? इतना डर क्यों रही हो? कमला की वजह से? कहीं गीता चारू कमला की तरह कुछ करना बैठे? या मेरी वजह से? कहीं लड़कियों पर मेरा असर ना आ जाए? वो तो तुम्हारी सरासर बेवकूफी थी। एक अधेड़ शादीशुदा आदमी के पीछे पागल थी। छी छी, याद आते ही शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। वो तो अच्छा हुआ इन्हें कुछ नहीं मालूम। 23 साल से हम साथ हैं, लेकिन इन्होंने कभी कुछ नहीं पूछा, कोई कड़वी बात नहीं निकाली। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि हे भगवान, मेरी दोनों बेटियां अपने बाप पर जाएं, उन पर तेरा साया कभी न पड़े। गीता और चारू अपने बाप पर ही जाएंगी, अब वो बड़ी हो गई हैं, मेरी कच्ची उम्र पार कर चुकी हैं, जरूर समझदार और अकलमंद हैं, वो मेरी गलती कभी नहीं करेंगी। अब सो जाओ। हाँ, भास्कर कमला को एक बार देखने भी नहीं आया, दो आंसू तो बहाने थे उसके लिए। बेशर्म, कभी कभी तो लगता है हम लड़कियां दो पैसे की गुड़िया से भी सस्ती हैं। अच्छा चारू, अगर कमला की तरह मुझे भी कुछ हो जाता तो क्या मैं उसे रोक पाती? ये तो अच्छा हुआ कि आज तक कुछ हुआ नहीं। अब सो जाओ दीदी। मैं तो बाबा अजीत से साफ साफ कह दूंगी, शादी जब फिलहाल नहीं हो रही है तो इतने मिलने जुलने की क्या जरूरत है? मत मिला करो हमसे, ठीक है ना चारू? और तू भी समझ जा चारू, इन मोटरसाइकिल वाले लड़कों का क्या भरोसा, हवा में उड़ते हैं, मानेंगे तो हम कमला की तरह। अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं? कहा ना, अब सो जाओ। अरे लक्ष्मी मेरी यहाँ बैठते हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। दीपक हमें देख रहा था, देखना वो यहीं आ जाएगा। देखो वो आ रहा है। क्यों भाई, यहाँ छिपकर क्या साजिश हो रही है? यही प्लान बना रहे थे कि इस पिकनिक में दीपक से कैसे दूर रहा जाए। लेकिन प्लान तो फेल हो गया। फेल क्यों होने लगा? चलो लक्ष्मी, हम कहीं और जाकर बैठते, तुम यही बैठो। क्यों भाई, हम क्या इतने खराब है? और नहीं तो क्या। ठीक है तो तुम यही बैठो, मैं ही चला जाता हूँ। अरे रुको रुको, अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ, हम इतने बदतमीज नहीं कि घर आए मेहमान को भगा दे। अरे लेकिन ये घर आए मेहमान थोड़े हैं, ये तो मान न मान मैं तेरा मेहमान है। अरे हाँ लक्ष्मी, मोहन तुम्हें ढूंढ रहा था। मोहन मुझे क्यों ढूंढने लगा? क्या मालूम, ढूंढने दो। कोई ढूंढ नहीं रहा है लक्ष्मी, ये हजरत तुम्हें भगाने की सोच रहे हैं। अरे मैं क्यों भगाने लगा? ठीक है तुम यही बैठो, हमें क्या। मैं भी आई। चारो तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? अरे तुम कहाँ जा रही हो? प्लेट में कुछ नहीं, थोड़ा ले आऊं। आज बहुत अच्छी लग रही हो चारू। थैंक यू। आज 3 दिन बाद हम मिल रहे, तुम्हें मालूम है? तुम यहाँ क्यों चले आए? तुमसे बात करने है। लक्ष्मी क्या सोचेगी? कुछ नहीं, वो समझदार है। तुमने देखा नहीं मेरे आती है कैसी, वो खुद ही चली गई। अब भी आ जाएगी? नहीं आएगी। शर्त? क्यों नहीं आएगी? उसे मोहन जो ढूंढ रहा है। और कुछ खाओगी? नहीं। ठीक है तुम यही रहना, मैं ये रख कर आता हूँ, कहीं जाना मत। Thank you.
आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो चारू। कितनी बार कहोगे? शायद बहुतों ने तुमसे बात कही होगी। बहुतों को बिला वजह झूठ बोलने की जरूरत नहीं। चारू, क्या है? चारू मैं क्या कर रहे हो? तुम मुझे हमेशा अच्छी लगती हो। यहाँ हम दोनों अकेले बैठे हैं, इसलिए सब कह रहे हो? तो क्या तुम्हारी क्लास में जाकर सबों के सामने कह दूं या ब्लैकबोर्ड पर लिख दूं? कर पाओगे? अच्छा, तुमने मुझे ये कभी नहीं बताया कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। बोलो ना। कभी बताने की जरूरत नहीं महसूस की। चारू, क्या है? एक बात पूछूं? तुम्हें क्या डर लग रहा है? नहीं। दीपक। हाँ चारू। तुम्हें डर लग रहा है? हाँ। दीपक के साथ आज बहुत मजा है। भी यहीं पर आएंगे। फिर चारू और दीपक दोनों साथ ही तो थे। अरे ये रही चारू, दीपक कहाँ है? मुझे क्या मालूम। चलो मोटरसाइकिल पे ढूंढते हैं। चलो चलो। अगर कमला की तरह मुझे भी कुछ हो जाता तो क्या मैं उसे रोक पाती? बेचारी दीपक छोड़कर चला गया, ये गम सह न सकी। देख, पेट में बच्चा भी है। इसे शर्म से तो खुदकुशी कर ली। तुम्हारे माँ बाप को दीपक के बारे में मालूम है? नहीं। क्या हुआ चारू? एक बहुत बुरा सपना देखा। मुझे लगा जैसे कमला की जगह मैं मर गई हूं और कमला जिंदा है। पता नहीं ऐसे बुरे सपने क्यों आते हैं। Thank you.
ये मेरी पत्नी है, प्रेग्नेंट है, करीबन एक महीना हुआ। आप यहाँ? मैं तो प्रभा से मिलने आई थी, कहाँ है प्रभा? प्रभा नीचे है, यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार। मेरा इंतजार? हाँ। क्यों, कोई और नहीं मिली क्या? मिली तो बहुत थी, पर मन कहीं नहीं लगा। बातें ना बनाइए, आप क्यों करने लगे मेरा इंतजार? ये तो दिल की बात है भाई, जब मैंने दिल से पूछा क्यों भाई, क्यों इंतजार किया जा रहा है, तो जवाब मिला चुप रहो, इस पर तुम्हारा नहीं अब किसी और का अधिकार है। मैं नीचे जाती हूँ। सुनो तो। छोड़ो ना। देखो आज शिवरात्रि है, आज तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या क्यों नहीं देती कि मुझे से मिलने के लिए आई थी? नहीं सच, मैं प्रभा से मिलने आई थी, मुझे क्या मालूम कि आप यहाँ। अच्छा नीचे सब शिवरात्रि मना रहे हैं, नीचे उनकी शिवरात्रि और हमारी यहाँ। चुप, किसी ने देख लिया तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। आपको क्या है? ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्या है? तुम्हारी सालगिरह पर मेरी तरफ से भेंट। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी, आज सिर्फ तुम्हारी सालगिरह थोड़ा ही है, हमारी जान पहचान की भी पहली सालगिरह है, और फिर अगले महीने मेरी सालगिरह होगी, तो तुम कुछ भेंट नहीं दोगी? नहीं दूंगी। सॉरी अंजू, थोड़ी देर हो गई, आओ चलें। मैं तो कब से यहाँ खड़ी हूँ, मैं तो भी जाने ही वाली थी। अरे मुझे बिना मिले? यहाँ खड़े खड़े मुझे ऐसा लगा कि सबको पता है और सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं। अच्छा चलो आओ। सुधाकर फिर से एक बार सोच लो, पिछली बार तो कोई झमेला नहीं हुआ था, एक हफ्ता और इंतजार कर लेते हैं, शायद डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। और फिर खर्चा भी तो बहुत है ना। गोलियां तो खाई थी, कुछ हुआ ही नहीं। फिर भी एक हफ्ते की तो बात है। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, देखें क्या कहता है, मैंने अपॉइंटमेंट भी ले लिया। किसी ने हमें देख लिया तो? कोई ना देखे इसीलिए दूर के एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। चलो चलते हैं, 6 बजे पहुंचना। बैठिए, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। कहिए क्या बात है? मुझे डॉक्टर शिरोडकर ने भेजा है। ओह यस, ये मेरी पत्नी है, साल भर पहले हमारी शादी हुई, ये प्रेग्नेंट हैं करीबन एक महीने से, मैं एक दफ्तर में टेम्प्रेरी क्लर्क हूँ, तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये बच्चा ना हो। ये पहला बच्चा है? जी। मैं गोलियां देता हूँ, आज रात को इन्हें खिला दीजिएगा, हो सकता है इससे काम बन जाए। कुछ दिन पहले मैंने गोलियां दी थी डॉक्टर साहब, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए ऐसा कीजिए कि आप कल सुबह 10 बजे इन्हें यहां भर्ती करा दीजिए, 2 दिन इन्हें मैटरनिटी होम में रहना पड़ेगा, मैं समझता हूं सब ठीक हो जाएगा। ठीक। 200 रुपए लगेंगे। 200? देखिए इससे कम तो नहीं होगा, कुछ ज्यादा तो नहीं बताया? नहीं ठीक है। आपका नाम? रमेश चंद्र। अपनी वाइफ का नाम बताइए। प्रभा।
देखिए कल सुबह 10 बजे इन्हें लेते आइए, इन्हें भर्ती कर लिया जाएगा जी। और रुपए भी लेते आइए जी। थैंक यू। दो दिन मैं यहाँ कैसे रहूंगी? कैसे भी रहना होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा अंजू। इससे तो अच्छा होता कि हम लोग शादी कर लेते। यहाँ 200 रुपए तो है नहीं ऑपरेशन के लिए, और तुम शादी की सोच रही? अब क्या होगा? 100 रुपए तक तो मैं मैनेज कर लूंगा। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? 10-15 रुपए है मेरे पास। चलो। लेकिन मैं 2 दिन घर से बाहर कैसे रहूंगी? कह देना कॉलेज के 2-3 दिन के एजुकेशन टूर पे जा रही हूँ। अजंता, लोरा, माउंट आबू, कुछ भी कह देना। झूठ तो तुम्हारे मुंह से फट से निकल आता है। डॉक्टर को अपना नाम रमेश ही बता दिया और मेरा नाम प्रभा। मालूम है प्रभा तुम्हारी भतीजी है। वो थोड़ा चौकस तो रहना ही पड़ता है ना, कहीं लोगों को पता लग गया तो। और हाँ, कल अपना नाम वहां पे अंजू मत बता बैठना, प्रभा बताना। वहां डॉक्टर के सामने कितने इत्मीनान से कह दिया, ये मेरी पत्नी है। पति पत्नी नहीं कहता तो 200 की बजाय 500 रखवा लेता। लेकिन कब तक ऐसे मुंह छुपाते रहेंगे? वो छोड़ो, रुपए कहां से आएंगे? डॉक्टर ने कल ही मांगे। तुम्हें रुपए की पड़ी है? मैं यहां ये सोच रही हूं कि मैं 2 दिन घर से बाहर कैसे रहूंगी। अंजू, बुरा ना मानना, अगर तुम्हारी एक सोने की चूड़ी बेचते तो काम बन सकता है। मैं तुम्हें बाद में बनवा दूंगा। थैंक यू अंजू। देख, एक टैक्सी ले लेते हैं। अंजू, डॉक्टर ने कहा है थोड़ी कमजोरी लगेगी लेकिन सब ठीक हो जाएगा। कितने पैसे लगे थे? सब हो गया ना? हाँ, सब हो गया। तुम्हारी चूड़ी से 300 रुपए मिले थे, ये 80 रुपए बचे हैं, लो तुम रख लो। नहीं, तुम्हारे भी तो 100 रुपए लगे थे, तुम ही रख लो। अच्छा, ये 20 रुपए तुम रख लो, टैक्सी का भाड़ा दे देना, मैं अगले चौराहे पर उतर जाऊंगा। तुम ठीक से घर पहुंच जाओगी ना? सुधाकर, तुम भी मेरे साथ चलो ना, मुझे डर लग रहा है। मेरी माँ से कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। हाँ हाँ, वक्त आने पर जरूर आऊंगा, लेकिन अभी तो तुम्हें 3-4 दिन घर जाकर आराम करना है ना, डॉक्टर ने कहा है। नहीं सुधाकर, बहुत हो गया। मैंने तय कर लिया है कि हमें अपने संबंधों को कोई रूप देना ही होगा। हम कब तक इस तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? हाँ ये तो है। और क्यों मिले छुप छुप कर? हम क्या कुछ गलत कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? फिर तुम मेरे माता पिता से आज ही क्यों नहीं मिलते? मुझे इस तरह झूठ बोलना, चोरी से गहने बेचना अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, मिलूंगा पापा, मिलूंगा क्यों नहीं, परेशान मत हो। कब मिलोगे बताओ? तुम थोड़ी ठीक हो जाओ फिर मिल लूंगा। मैं ठीक हूँ। अच्छा, अगले हफ्ते मिल लेता हूँ बस। हमेशा से यही सुनती आई हूँ, मिलूंगा। पिछली बार भी तुमने यही कहा था, मगर मैं कह देती हूँ, अगर तुम इस बार मिलने नहीं आए तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। ये क्या हो रहा है? चुप 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 करो ना, चुप। सात आठ चिट्ठियां लिखी,
न कोई जवाब न आने की खबर। क्या बात है, मुझे छोड़कर चले क्यों गए? क्या इसलिए कि शादी करने पर तुम्हें मजबूर किया और न करने पर खुदकुशी की धमकी दी? काश मैं उस दिन तुम्हारी बातों में ना आती, न अपनी चूड़ी देती। माँ को सब कुछ पता चल गया, उस दिन बच्चे के साथ मैं भी क्यों ना मर गई। अच्छा, तुम क्या सचमुच कभी नहीं आओगे? मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। कब से खड़ी हूँ मालूम है, आंख उठाकर देखा तक नहीं। किसकी चिट्ठी है ये? बस ऐसे ही किसी की है। तेरा काम खत्म हो गया? मुझे क्यों बुलाया यहाँ? क्यों बुलाया नहीं मालूम। मुझसे ज्यादा मस्करी मत किया कर। दो दिन से मिलने क्यों नहीं आई? क्यों आऊं? इतना इंतजार किया तेरा। क्यों करता है मेरा इंतजार? क्यों, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? क्यों मिलो, कौन है तू मेरा? ठीक है, नहीं मिलना चाहती तो ना मिल, मैं क्या कर सकता हूँ। जा। कह दिया जा, मैं यहाँ क्यों आई मालूम है? क्यों आई? तेरे कमरे में जा रही हूँ, वहीं आ जाना। दो दिन से क्यों नहीं आई मालूम है? मालूम है, मुझे सताने के लिए। दत्त, तो फिर क्यों नहीं आई? मेरे बाबूजी को मालूम पड़ गया कि मैं तुमसे मिलती रहती हूँ। तो क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, हमारा मिलना क्या मामूली मिलना है। तो फिर क्या है? क्यों बुलाता है रोज रोज? तू मुझे अच्छी लगती है इसलिए। सच? और नहीं तो क्या? झूठ। झूठ है तो फिर पूछती क्यों है? तुम बाबू लोग हमसे कहाँ शादी करते हो? मैं करूँगा शादी। तू झूठ बोल रहा है, मगर मैं फिर भी यहाँ पर आती हूँ मालूम है क्यों? क्यों? तू भी मुझे अच्छा लगता है। अरे सुन सुन सुन, अम्मा आज मेरी शादी की बात कर रही थी उस मंगरू से, मैंने बोल दिया मैं शादी नहीं करूंगी। मालूम है बाबा ने क्या कहा? क्या? बाबा ने कहा कि तू क्या सोचती है, उस शहरी बाबू से शादी करेगी। फिर? मैं क्या करती, चुप रही। तू करेगा ना मुझसे शादी? किसी ने देखा तो नहीं तुझे यहाँ आते हुए, तेरे उस मंगरू ने? मुझे क्या मालूम, मेरा मन हुआ सीधी चली आई। करेगा ना मुझसे शादी? ए बाबू, दरवाजा खोलो। चमेली कहाँ है? चमेली, चमेली, चम, ये देखो इस बाबू की हरकत, हमारी लड़कियों को कमरे में बुलाता है, पहले वाला बाबू भी इतना ही बदमाश था। ये हरामी है, मारो उसको। तुझे चमेली से शादी करनी पड़ेगी, बोल करेगा कि नहीं? और तू, तू यहाँ क्यों मरने आई है? ए बाबू, बोलता क्यों नहीं तू? बोल, 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 शादी करेगा कि नहीं? नहीं नहीं, छोड़ दो इसे, मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। चला। अरे बोल, अरे बोल, इसी वक्त बोल। तूने मेरी लड़की की इज्जत खराब की है, बोल तू इससे शादी करेगा कि नहीं? तू इसी वक्त बोल, नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगा। हाँ बाबा, ये करेगा मुझसे शादी। बाबू, मेरे बाबा से बोलो ना, तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ मैं करूंगा चमेली से शादी। सुन लिया तुमने, अब छोड़ दो इसे बाबा। ये बिल्कुल ठीक। शाबाश चमेली, शाबाश, बाबू बहुत अच्छा है। चलो शादी की तैयारी करो। चलो चलो चलो, तू चल यहाँ से, अब तू इससे शादी के बाद ही मिलेगी, अगर उससे पहले मिली तो तेरी टांगे तोड़कर रख दूंगा। चल। अरे मैं जान से मार दूंगा इस बाबू। अरे मंगरू, छोड़ दो मेरी मंगेतर से। मेरा मंगेतर नहीं है, चल जा यहाँ से। कैसे नहीं है मंगेतर, तेरे बाप से पक्का हुआ है। ये कौन है बीच में आने वाला, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मंगरू, चलो भाग चलो। चमेली का बाप बोलता क्यों नहीं, चमेली से मेरी शादी होगी। हाँ हाँ, तू यहाँ से तो चल। नहीं भाई, यही फैसला चाहता हूँ, चमेली मेरी है, उससे मेरी शादी होगी। मुझे नहीं करनी तुझसे शादी। तू कैसे नहीं करेगी शादी? चल तो सही बाहर पहले। मैं नहीं चल, तू चल। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चल ना। अरे छोड़ दे मुझे, जान से मार डालूंगा इस बाबू को। अरे छोड़ो, नहीं इसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। चलो चलो चलो, ये मेरी मंगेतर है, ये कौन है बीच में आने वाला? अरे तेरे बाप से पक्का हो गया है,
इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी मंगेतर से साला, छोड़ दो मुझे, ये मेरी मंगेतर है। आज रास्ता कैसे भूल गए? 5 बजे ऑफिस से छूटा, इधर से गुजर रहा था, सोचा चलो मिलाते हैं। प्रकाश जी नहीं आए अभी तक? अरे इनकी मत पूछिए, वैसे तो इनकी छुट्टी भी 5 बजे हो जाती है, लेकिन इनको घर आने की फुर्सत ही कहाँ। किसी काम में फंस गए होंगे। अरे ऐसा भी कौन सा काम हुआ जो रोजाना 6-7 बज जाए? 7? इतनी देर? भला आप ही बताइए, घर की भी कोई जिम्मेदारियां होती है कि नहीं? घर की या पत्नी की? अरे काहे का पत्नी की तरफ, हमारा काम तो नौकरानियों जैसा हो गया है। सुबह चाय नाश्ता बना दिया, रात को रोटी तरकारी बना दी, सारा दिन इनके कपड़े संभालो या फिर चुपचाप बैठे रहो। आखिर प्रकाश जी भी क्या करें, उनकी नौकरी है ऐसी। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ इनकी नौकरी से। चलो 7 बजे सही, 8 बजे सही, लेकिन अक्सर 5-6 दिन के लिए मुझे छोड़ के कहीं ना कहीं चले जाते हैं। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आती इनकी नौकरी। तो क्या हुआ भाभी, इतने बड़े शहर में रहती हैं आप, कहीं घूमने चली जाया कीजिए। भाई पार्क है, सिनेमा है, यहाँ पीछे नीली झील है, मैंने तो सुना है कि एक नया सर्कस भी आ रहा। मैं पहले जहाँ रहता था वहां बिल्कुल वीरान था, घर और काम बस और कुछ नहीं। इसीलिए वो नौकरी छोड़ दी आपने? क्या करता, अकेलापन बहुत अखरने लगा था। कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली क्या? मैं तो कहूंगी कि शादी कर लीजिए और एक छोटी सी जगह पे जाके रहिए, ताकि बंदे तो रहेंगे आप। नहीं भाभी, छोटी जगह छोटी होती है, वहां की हर बात छोटी होती है। बहुत शहर के हिमायती बनते हैं आप। अब चलिए मेरे साथ बाजार ले चलिए, कुछ खरीद के लाते हैं और रात खाना यही खाइएगा। मैं अभी आई। और सुनाइए कैसा लग रहा है यहाँ? मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन भाभी कुछ परेशान है इस जगह से। भाई बिल्कुल परेशान हूँ, ये भी कोई जगह है? जगह से नहीं, मुझसे है परेशान। क्या करूँ भाई, काम ही ऐसा है कि चाह के भी साथ नहीं रह पाता हूँ। सुधाकर जी की छुट्टी 5 बजे हो जाती है, मैंने इन्हें कहा रोज यही आ जाया करें। आज ये थे, इनके साथ जाके सारी खरीदारी करके लाई हूँ। सुधाकर जी, रश्मि बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि आप रोज रात खाना भी यहीं खाया कीजिए। अरे भाई ये हमारे लिए इतना कुछ करें और हम इनके लिए कुछ भी नहीं, क्यों रश्मि? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे नहीं नहीं, आप लोग यूं ही तकलीफ कर रहे हैं। अरे इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? अरे भाई हम तो अपने मतलब की सोच रहे हैं, अब अगर आप रोज यहाँ आ जाया करेंगे तो हमारी कितनी मदद होगी, बाजार जाना, दवाई लाना, और फिर अगर कभी मैं बाहर चला जाऊं तो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 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 कुछ नहीं, आज इसी खुशी में खाने के बाद सिनेमा चलेंगे, क्यों जी? हाँ हाँ। तुम किसी चीज में मुझे जीतने ही नहीं देती हो, आखिर राजा जयसिंह की बेटी हो ना। बसंती, उनकी बेटी होना मेरे लिए कोई इज्जत की बात नहीं, ये तो अच्छी तरह जानती है। ज्योत्सना, सुना है राजपुर की म्युनिसिपैलिटी का नया अध्यक्ष चुना जाने वाला है। टोपी बदल जाएगी, बस होगा वही जो तुम्हारे डैडी चाहेंगे। Oh, my God.
अरे सुधाकर जी, लो आ गए। अच्छा हुआ आप यहीं पर हैं, वरना अभी बुलाने जाने वाला था मैं। क्यों, क्या हो गया? अरे मत पूछिए भाई, टूर पर जाना है, आज ही रात 11:20 की गाड़ी से। अरे आज ही? हाँ रश्मि, 6 दिन का टूर प्रोग्राम है। अरे वो तो 2 हफ्ते का प्रोग्राम बना के दे रहे थे, मैंने ही सुल्तानपुर का पोस्टपोन करा दिया। लो फिर शुरू हो गए, पिछली बार भी आप 4 दिन का बोल के गए थे और आए कितने दिन के बाद? पूरे 10 दिन के बाद। अरे नहीं नहीं भाई, इस बार देरी नहीं होगी। भाई सुधाकर जरा घर का ख्याल रखना, आप तो नहीं जा रहे ना कहीं? नहीं मैं कहाँ जाऊंगा। That's good. अच्छा मैं चाय लाती हूँ। नहीं नहीं बैठो, मैं पी के आया हूँ। कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया था सिनेमा देखने का, सारा गड़बड़ कर दिया। आज तो रहने दीजिए सुधाकर जी, वापस आकर जरूर देखेंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, तो यूं ही मजाक कर रही हैं। अरे यूं ही कैसे कह रही हो, हमारा प्रोग्राम था कि नहीं? ये पिक्चर तो जरूर देखनी है, इसमें नरगिस और राज कपूर है। ये बात है, चलो फिर सुधाकर जी तुम्हें फिल्म दिखा लाएंगे। खुश प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार, फिर क्यों डरता है दिल? रात के कौन हो सकता? लगता है वो आ गए। क्या बात कर रही हो, प्रकाश तो 3 दिन बाद आने वाला था। इतना फिसफिसा क्यों रहे हो? डरपोक, लगता है इनका टेलीग्राम आया होगा। तुम सोचो, मैं देखती हूँ। ओह पोस्टमैन। कौन है? अरे मैं हूँ, खोलो जल्दी। कब से घंटी बजा रहा हूँ मैं। तुम तो 6 दिन के लिए गए थे ना? जाके देखा कि वहाँ का इंचार्ज अस्पताल में भर्ती है, इसलिए जल्दी चला आया। मैं आया अभी।
आइए पंडित जी आइए। प्रणाम जजमान प्रणाम। आइए आइए पंडित जी बैठिए। आइए पंडित जी, और क्या खबर लेकर आए आप? सब उत्तम है पंडित जी। ये है कन्या, देख लो, बहुत ही नेक और सुशील है। घर का सारा काम संभालती है, स्कूल में भी जाती है। बड़े घर की बेटी है, बाप का अच्छा व्यापार है। लीजिए पंडित जी। इस साल कुंभ का मेला है, लड़की के माता पिता कुंभ के तीर्थ पर जाना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि लड़की की शादी करके जाएं। लड़की तो अच्छी है यार। लड़की तो अच्छी है ही, घर भी अच्छा है, और ऊपर से घर वाले खर्चा भी अच्छा करेंगे। पंडित जी आप चलिए, लड़की तो दिखाइए। अरे देखो सुधाकर, लड़की कैसी है तो शादी के बाद ही पता चलता है। उससे पहले जो हम परख सकते हैं वो है लड़की का नाक और नक्शा। उस हिसाब से तो लड़की फिट है। जब शादी करनी है तो कर ले, यहीं अच्छा खर्चा भी कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं कोई ऐसा वैसा रिश्ता लाने वाला नहीं। कल इतवार है, सुबह की गाड़ी से चलिए और लड़की भी देख लीजिए। हाँ। यही कोई 4 घंटे का तो रास्ता है। हाँ। चलो यही सही, घूमना भी हो जाएगा यार। चलिए ठीक है पंडित जी, हम कल सुबह सब चलते हैं। चलो चलिए यार। चलो ना यार। क्या सोच रहे हो, इतने परेशान क्यों? गीता चारू भी कमला की तरह कुछ करना बैठे हैं, इसलिए? उससे भी ज्यादा मैं तुमसे डरता हूं, तुम्हारे जैसे कायर और चरित्रहीन इंसान से। मैं नहीं चाहता तुम्हारा कोई भी अंश मेरी बेटियों में आए। ये देखो मेरी पत्नी, इसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम। 23 साल इसने मेरे साथ निकाल दिए, सुख में दुख में, ना कोई शिकायत ना झगड़ा। मेरी तो यही प्रार्थना है कि मेरी बेटियां अपनी मां पर जाएं, तुम्हारा उन पर साया भी ना पड़े। गीता चारू मुझे नहीं जानती, वैसे भी लड़कियों पर अपनी मां का असर ज्यादा पड़ता है। परेशान मत हो, उन पर मेरा साया नहीं पड़ेगा। चलो सो जाओ। अरे अंजू, तुम यहां? बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां थी, घूमने निकले हैं, सोचा मंदिर के दर्शन कराएं। हाँ। तुम यहां कैसे? मैं यही रहती हूँ। अच्छा, अच्छा। ये मेरे पति हैं। नमस्ते। और ये बेटी उमा, नमस्ते करो उमा। ये सुधाकर जी हैं, रंगपुर में हमारे मोहल्ले में रहते थे। ये मेरी पत्नी निर्मला है, ये बड़ी बच्ची गीता और ये छोटी चारू। जरा देखो ना, माँ जी कहाँ रह गई? वो आ रही है। कब तक हो तुम यहाँ? बस कल सुबह जा रहे हैं। और कैसी हो तुम? बहुत मजे में। मंदिर में कितना वक्त लगता है हर काम में। चलो चलो, देर हो गई, घर का सब काम पड़ा है। अच्छा चलो अंदर, नहीं तो दर्शन बंद हो जाएंगे। हाँ चलो आवाज। अरे वहां क्यों बैठ के कमला के बारे में सोच रहे हो क्या?
क्या सोच रहे थे? अच्छा तुम्हें याद है, करीबन 10 साल पहले हम नासिक गए थे घूमने, एक मंदिर के सामने एक लड़की मिली थी, अंजू, उसका पति, एक बच्ची। हाँ तो क्या हुआ? कमला की उम्र की थी जब वो भी शादी से पहले। हाँ हाँ। वो भी आत्महत्या करना चाहती थी, पर उस दिन मिली 10 साल बाद, कितनी खुश थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक सुखी पत्नी, एक सुखी परिवार। हाँ ये तो होता ही है, कई बातें जिंदगी भर छुपा कर रखनी पड़ती हैं, शायद इसी में भलाई है। कमला अगर जिंदा रहती तो सब भूल जाती, किसी घर की लक्ष्मी सी बहू बनती, उसका अपना घर होता, 2-3 बच्चों की मां बनती, और फिर एक दिन अपना सुहाग लिए संसार से चली जाती। क्या हुआ, फिर कोई बात याद आई? नहीं नहीं सो जाओ।